गाइस, सुबह के 4 बज रहे हैं और प्रिशा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रिशा को पता नहीं क्या हो गया है, उसको रात के 9 बजे से उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। खाना खाते खाते उसको पेट में दर्द होने लगा, उसके बाद थोड़ा सही हुआ, उसके बाद उसने फिर खाना खाया। खाना खाने के बाद उसे फिर सर वॉमिटिंग हो गई बहुत बुरी वाली। फिर वॉमिटिंग होने के बाद फिर मैं उसको रूम में लेकर आई और लाने के बाद फिर वो बहुत जोर जोर चिल्लाने लगी, मम्मा मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मम्मा आई आई करके। मैं बहुत डर गई बहुत ज़्यादा। मैंने यहाँ सोसाइटी में फ्रेंड है उसको कॉल किया, फिर उसने अपने नेबर को कॉल किया, यहाँ पर 2-3 डॉक्टर हैं उनसे भी मेरी बात हुई। लेकिन काफ़ी रात हो चुकी थी, मेडिकल स्टोर में भी भैया आए उनसे बात हुई, लेकिन मेडिकल स्टोर भी बंद हो गया था, दवा नहीं आ पाई। तो मेरी ही पेट की दर्द की दवा थी एफटाल, उसी को मैंने 1/4 डोज प्रिशा को दिया। 10-15 मिनट बाद फिर रोने लगी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है करके। उसके बाद मैंने सिकाई वगैरह करी, अजवाइन और नमक देने की कोशिश करी गर्म पानी से, लेकिन उसने फिर वॉमिट कर दिया। किसी तरीके से मैंने उसको सुलाया सिकाई कर करके, और फिर 1:30 बजे रात में सोते सोते फिर उसको वॉमिटिंग हो गई। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, बार बार उसको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, बार बार वो करवटें बदल रही है, आ आ कर रही है, पेट में दर्द हो रहा है। और अभी 4 बज रहा है और मैंने अभी उसको एक वॉमिट की दवा दी है, एक डोज, अभी तो वो सो रही है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, उसको शायद अभी भी दर्द है। आई डोंट नो उसको क्या हो गया है, जिस तरीके से उसके दर्द और वॉमिट बार बार हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि उसको फूड पॉइजनिंग हो गया है, समझ नहीं पा रही हूँ। यहाँ पर सोसाइटी में कुछ लोग काफ़ी हेल्पिंग है, मैंने उनसे हेल्प ली तो उन्होंने मुझसे बोला कि अगर 2-3 बजे रात में भी अगर उसको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो बताना, डॉक्टर क्या ले जाएंगे। पर मुझे किसी को डिस्टर्ब करते हुए इतनी देर में अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने अभी उसको वॉमिट की दवा दे दी है। सो रही है लेकिन ठीक से नहीं सो रही है, उसको दर्द है शायद, बार बार करवट बदल रही है। प्रे करिए कि उसको सही हो जाए। मैं मॉर्निंग होते ही मैं डॉक्टर के यहाँ लेकर जाऊँगी, उसको दिखाऊँगी कि मैं इस वक्त घर में अकेली भी हूँ, कोई है नहीं। तो सुबह होते ही मैं डॉक्टर के यहाँ लेकर भागूंगी उसे। बहुत परेशान हो गई हूँ, प्रिशा को ज़रा सा भी तबीयत ख़राब होती है, थोड़ा सा भी कुछ होता है मैं बहुत डर जाती हूँ बहुत ज़्यादा। बस वो ठीक हो जाए, उसकी तबीयत ठीक हो जाए बस, और डॉक्टर के यहाँ चली जाऊँ मैं। कल किसी तरीके से अपॉइंटमेंट मिल जाए, क्योंकि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी बहुत मुश्किल से मिलता है। मतलब आप फ़ोन पे अपॉइंटमेंट नहीं लिखा सकते हो, यहाँ का सबसे बेस्ट पेडियाट्रिशियन है, फ़ोन पे अपॉइंटमेंट नहीं लिखते, वहाँ जाकर ही लिखते हैं और बहुत भीड़ रहती है। देखिए रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्दी देख लें, पर लगता नहीं है, वरना 3 बजे से पहले नंबर नहीं आएगा, 11 बजे से बैठते हैं, देखते हैं कल क्या होता है। बस प्लीज़ आप लोग प्रे करिए कि प्रिशा को कुछ भी, जो भी मैं सोच रही हूँ कि फूड पॉइजनिंग हुआ या कुछ भी ना हुआ हो, थोड़ा बहुत गैस का ही प्रॉब्लम हो या कुछ भी ऐसा नॉर्मल वाला हो, और वो ठीक हो जाए 1-2 डोज की दवा खाते ही। बहुत परेशान हो गई हूँ। प्रिशा अगर खेलती नहीं है, शांति से बैठ जाती तो मुझे बहुत अजीब सा लगने लगता है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तभी वो शांति से बैठती है, वरना वो थोड़ी तबीयत भी ख़राब होती है तब भी वो दौड़ती है, भागती है, खेलती है। लेकिन बहुत ज़्यादा रो रही थी, चिल्ला चिल्ला के, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज़ आप लोग प्रे करिएगा कि ठीक हो जाए वो।
बाय, गुड नाइट।